आज हमारी इस ऑनलाइन क्लासेस में हम आपके साथ डी लुकअप फंक्शन इस्तेमाल करने जा रहे हैं एक्सेल फॉर्म के अंदर वीवीएन। ठीक है, तो हाँ सबसे पहले मुझे टेबल के अंदर जाना पड़ेगा। टेबल वन में हमने डेटा यहाँ लिख दिया, डेटा, और मैं चाहता हूँ कि ऑटो नंबर इस आईडी के अगेंस्ट में नेम को फाइंड करना। ठीक है, सी नेम, कस्टमर नेम को, जैसे वी लुकअप लगाते हैं जस्ट लाइक डी लुकअप। और मैं बस दो ही कॉलम रखता हूँ, बाद बाकी बाद में कर लेंगे। और कुछ डेटा डाल देता हूँ, रवि, पूजा, मनी, उदय एंड कविता, पांच नाम डाल दिया मैंने। ठीक है, अब मैं इसको क्लोज करता हूँ यहाँ से। उसके बाद मैं मान लीजिए एक फॉर्म क्रिएट करता हूँ, फॉर्म, इससे इससे नहीं, डिलीट करता हूँ, मैं डिजाइन फॉर्म करता हूँ। ये तो फॉर्म नॉर्मल हो ही जाता है, हम डिजाइन फॉर्म करते हैं, क्रिएट डिजाइन फॉर्म। और हम यहाँ पे हम जस्ट व्यू के हिसाब से लाना चाहते हैं कि हम नंबर डालें और शो करें तो शो हो जाए। ठीक है, तो डिजाइन में हमने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लिया जिसमें हम आईडी लिखेंगे, और हमने यहाँ पे अगेन ये ले लेता हूँ टेक्स्ट बॉक्स जिसमें नाम हमारा आ जाएगा। और एक कब होगा, बटन पे क्लिक करने से, एक बटन यहाँ बनाता हूँ शो का, ताकि कोडिंग उस पर करें, ऐसे बिना बटन के भी होता है लेकिन तो हम करते हैं सही रहेगा एक कोडिंग के लिए। शो यहाँ पे आ जाएगा आईडी, आईडी, और यहाँ पे मुझे नेम शो करना है। ठीक है, तो ये टेक्स्ट, इसकी प्रॉपर्टीज पे जाते हैं, टेक्स्ट 0 है और टेक्स्ट 2 है, और शो पे जाना है, और इस इवेंट में ऑन क्लिक पे, इस पे डबल क्लिक पे एंड कोड बिल्डर पे हम चले जाते हैं। अब उससे पहले हम एक बार डिस्कस करते हैं डी लुकअप फंक्शन में, टेल मी मोर पे जाके डी लुकअप। डी लुकअप, डी लुकअप फंक्शन कहता है सिंटैक्स की एक्सप्रेशन डोमेन एंड क्राइटेरिया। ठीक है, जैसे यहां पे एक वेरिएबल हाँ लिया कि वेर एक्स इक्वल टू डी लुकअप, क्या ढूंढना है, तो लास्ट नेम को ढूंढना है। जैसे यहाँ नेम को सर्च करना है हमें किसके अंदर में, तो डेटा मतलब डेटा टेबल में, और क्या कंडीशन है, तो इम्प्लॉय आईडी इक्वल टू वन, सेम कंडीशन में हम यहाँ लिखना होगा। इसके लिए एक वेरिएबल भी ले सकते हैं हम कि डिम आई एज ए लॉन्ग, और यहाँ पे आई इक्वल टू हमने कर दिया हाँ टेक्स्ट 0.वैल्यू। ठीक है, और उसके बाद डिम के एज ए वेरिएंट। ठीक है, और यहाँ पे करते हैं के इक्वल टू डी लुकअप, डी लुकअप। अब आता है कि इसमें क्या चाहिए, तो इन्वर्टेड कॉमा में मैंने बोल दिया सी अंडरस्कोर नेम, जो कि ढूंढना है हमें। ठीक है, कॉमा, अब इसमें कॉमा बोलता है कि कौन सा टेबल है, डेटा टेबल तो इसमें हम देंगे इन्वर्टेड कॉमा में डेटा, इसमें बड़ी ब्रैकेट नहीं डालेंगे, ध्यान रखिए, क्योंकि टेबल नेम है। अब आता है क्राइटेरिया, तो एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू वन, तो यहां पे मैं लिख दिया कि आईडी, अब मुझे इसी फॉर्मेट में चाहिए, यहां पे आईडी इक्वल टू, और इसके साथ हमने कॉनकेटेनेट कर दिया कौन सा, टेक्स्ट 2.वैल्यू, टेक्स्ट नहीं, टेक्स्ट 1 0 होगा, 0.वैल्यू, या फिर आई है ना, आई दे देता हूँ यहाँ पे आई, समझे। और उसके बाद मैं करता हूँ मी डॉट टेक्स्ट 2.वैल्यू इज इक्वल टू के, सिंपल। मी लेकिन क्यों लिया हुआ है? मी एक्टिव फॉर्म होता है, मी इसके
लंबी फॉर्म नेम होते हैं तो मी डॉट लगाने से सरा हुआ जाता है ना, इसलिए मी लगाते हैं। ऐसे नहीं भी लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इसको यहां से कट करता हूं फॉर्म वन के नाम से। अब यहां पे जाता हूं और मैंने यहां पे दिया वन एंड शो, तो अभी आ गया। टू शो पूजा, थ्री शो मनी, फोर और अगर उदय। ये आपने अगर इसी टेबल से लिया, अगर वही डेटा उसका दूसरे टेबल से लेना रहेगा तो हर किसी भी टेबल से ले सकते हैं यार। इस फॉर्म और इस टेबल में कोई लिंक तो नहीं है ना, नहीं तो जब हमने आप डेटा से ले सकते हैं तो किसी और से ले सकते हैं। समझ में आया? हम डेटा से ले सकते हैं तो किसी और से ले सकते हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आता है कि आप बोलते हैं कि मैं वेरिएबल्स में लूंगा, कि क्यों मैं मतलब मैं इसमें क्यूरी में इसका इस्तेमाल करना चाहता हूँ। तो प्रॉब्लम क्या होता है इसमें डी लुकअप में, देखिए मैं भी काफी पहले परेशान था, ठीक है, लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि जिसका जो एक्सप्रेशन है ना, ये एक्सप्रेशन से आई डी इक्वल टू वन हमने किया तो ऐसा ही होना चाहिए। अगर आप किसी के साथ लिंक करते हैं तो उसको कॉनकटा नेट करके होना चाहिए, कि एट मतलब एंड दी लास्ट में डी लुकअप फंक्शन को ये इक्वल टू वन मिलना चाहिए, इस तरह से मिलना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप मान लीजिए कि आपने बोल दिया कि आई डी इक्वल टू फलाना, तो फिर वो नहीं हो पाएगा, दो वेरिएबल्स को नहीं हो पाएगा। जब भी आप लगाएंगे तो इस मेथड से लगाएंगे तो सही रहेगा, ताकि जब वी लुकअप चले तो उसको इक्वल टू लग के आना चाहिए। ओके समझ गए? इस फीचर पे अगर ट्राई करेंगे तो आपको डी लुकअप फंक्शन इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है सर। एक बार वो वापस से डी लुकअप का यहाँ पे ये बस खाली एक्सप्रेस कर दीजिए ना वापस से। देखिए डी लुकअप देखिए यहाँ पे क्या है, डी लुकअप का तीन चीजें है, एक्सप्रेशन, डोमेन, क्राइटेरिया। एक्सप्रेशन मतलब हुआ कि कॉलम, किस कॉलम से आपको डेटा लेना है। डोमेन, कॉलम किस टेबल से एग्जिस्ट करता है। क्राइटेरिया, क्या सर्च करेगा हो, किसके बिहाफ पे डेटा लेगा हो, किसका डेटा लेगा हो। जैसे कि यहाँ पे इसने एक वेरिएबल लिया कि डी लुकअप इज लास्ट नेम। लास्ट नेम क्या है? कॉलम नेम है। ये लास्ट नेम किस में है? तो एम्प्लॉय डेटा में है। और कंडीशन क्या है कि एम्प्लॉय आई डी इज इक्वल टू वन। ठीक है सर, समझा। ना गया मतलब अब देख इसमें से मतलब हाँ दोनों में जो कॉमन है उसके बेस पे वो लास्ट में है, जैसे एम्प्लॉय आईडी जो हम लोग वी लुकअप करते समय कॉमन लेते हैं। वही अब यहाँ पे देखिए, अगर इसको आप अगर इस पे लगाना चाहते हैं टेबल पे या फिर किसी क्यूरी पे लगाना चाहते हैं, तो यहाँ लिखा हुआ देखिए, इक्वल डी लुकअप प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्रोडक्ट आई डी इक्वल टू, और एंड के साथ देखिए फॉर्म के साथ उसमें लिंक रख रखा है, समझ गया ना। तो इक्वल टू के साथ आप कॉन्कैटनेट कीजिएगा, जैसे मैंने बताया आपको, तब जाके रिजल्ट आपका आएगा, समझ गया। ठीक, चलिए डी लुकअप फंक्शन में आ गया। ऑफिस जाना है आज आपको? हाँ हाँ जाना है सर। हाँ तो 9:15 हो चुका है, आप निकल जाइए और डी लुकअप पे से प्रैक्टिस कीजिएगा, बाकी फंक्शन प्रैक्टिस करके आइएगा। ओके ठीक है, तो मिलते हैं कल सेम टाइम।